कैसों में केवल चार रोजगार हैं, बहुत दिनों से उन्होंने देखा नहीं है जमीन पर आकर। आज गांव में चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार की सरकार नहीं देखा। जो लोग कहते हैं 100 में 4 रोजगार, 100 में केवल 4 रोजगार है, एक बीजेपी की सरकार कहती है, बताओ इस बात का भरोसा मानोगे? 7 रोजगार है, किसी में काम नहीं, किसी में नौकरी नहीं। इसलिए समाज को और प्रदेश को, देश को कोई सुधार सकता है तो वही समाजवादी लोग हैं। जो रास्ता नेताजी ने अपनाया, जिस रास्ते पर नेताजी चले, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर, कि लोग संपन्न हो, संपन्न हो और गैरवादी खत्म हो, समानता आए लोगों के बीच में, वही सपना जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, कि हमारा सपना मूलक समाज बने, जो पिछले गरीब पिछले जो छू गए अभाव में जी रहे हैं, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। इसलिए ये सम्मेलन शिविर इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि जो बात यहां से कही जाए वो हमारे आखिरी आदमी आखिरी व्यक्ति जो गांव में रह रहा वहां तक पहुंचाई जाए और बताई जाए कि ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये तो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं। दुनिया में शायद इकलौती पार्टी होगी जो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलती हो। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? करोड़ों नौकरी की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, मां गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे। अरे मां गंगा को साफ हाथ में करना, फतेहपुर में पहले नाला और फतेहपुर में नाला साफ करना।